भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज सालासर से चलकर लूंज फाटा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार अब वेंटिलेटर पर है। राजस्थान में इस बार भाजपा का प्रचंड बहुमत आएगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि झूठ और लूट की यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ डालकर युवाओं और किसानों को धोखा देने का ही काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। सबके लिए खुशी की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। साथ ही 28 विपक्षी दलों से बना घमंडिया गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस दौरान 51 किलो की फूलों की माला व प्रतीक चिन्ह भेंट कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का सभी भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद राहुल कस्वा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व यात्रा संयोजक CR चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बागड़ी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा, क्योंकि रतनगढ़ की धरती पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह वो धरती है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो आज से नहीं बरसों से पालना करती आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों से तो हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आजादी के 28 वर्षों के बाद खाली एक बार आपने यहाँ कांग्रेस का विधायक जीता और उसके बाद एक और जिताया। आजादी से लेकर अब तक जहाँ कांग्रेस के मात्र 2 विधायक जीते हो और आपने यहाँ कमल ही कमल खिलाया हो तो वहां की धरती पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये वो धरती है जिसने हमेशा संघर्ष किया है। यहाँ इस धरती पर चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे वेद हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसान हो, चाहे राष्ट्रभक्त हो, ऐसी पावन धरा है। तो उस धरती पर एक वचन आपसे लेके जाता हूं। अभी सनातन को गालियां देने वाले लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, लेकिन रतनगढ़ और शेखावटी और सूरत जिले की जनता की मुखर आवाज तब होनी चाहिए जब गीता प्रेस इस धरती के जन्मे लाल हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के इस यात्रा का राज तिलक करने के आई हुई छत्तीसगढ़ माता और बहनों भाइयों, मैं बरसों से रतनगढ़ में आ रहा हूं। कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा जिस चुनाव की सभा में मुझे आने का मौका नहीं मिला हो। अभी मुझे कहा गया कि स्वागत सभा है। मैं मन ही मन सोच रहा था स्वागत यानी फिल्म का ट्रेलर तो पूरी फिल्म कैसी होगी, इसको स्वागत सभा कहूं या विराट सभा कहूं या जनसभा जनता का प्रेम कहूं। मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से इस तपत में इस गर्मी में। कल जब मैं सुजानगढ़ में था किसान कह रहे थे कि आप सभा ऐसे समय में करते हैं, यात्रा ऐसे समय में करते हैं जब हमें खेती के कारण किसानी के कारण मरने की फुर्सत नहीं रहती, ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में आप आए, आपका अभिनंदन आपका स्वागत। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने जिनको कहा कि मोदी जी से लोकप्रिय दुनिया का कोई नेता नहीं, उन मोदी जी को घेरने के लिए जो 28 दलों का एक इंडिया के नाम से गठबंधन बना है, घमंडिया गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और उस गठबंधन के नेता की जो बात कही, वो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, कैलाश जी ये धरती भाई जी हनुमान प्रसाद जी की धरती है।
भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा मंगलवार को बिदासर पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ ही बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा के तहत नाहटो के नोहरे में जनसभा आयोजित की गई। सभा में अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल पर काम किया और इसी का नतीजा है कि आज विदेशों में भी भारत की धाक है, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार पूर्व की भाजपा सरकार की ओर से बनाई गई योजनाओं को अपना बताकर आम जनता को गुमराह कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस सरकार ने सुजानगढ़ में बुलडोजर चलाकर राम दरबार को तोड़ा है, तो सुजला जिला नहीं बनाकर यहाँ की जनता के साथ धोखा किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण, सांसद राहुल कसवाह, जिला प्रमुख वंदना आर्य आदि उपस्थित रहे। लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, खैर मकदम किया, परिवर्तन की हवा बन चुकी है। एसओमैग का घोड़ा निकल गया है अस्पताल से, और अब जीत के ये वापस आएंगे। और इस बार इस जिले के अंदर कांग्रेस का सफाया, सर मुड़ा ले और ये कहे कि चोरों का सरगना आ रहा है, उन्हीं के विधायक उन्हीं को कहे और क्या है, मैं रावण का पुतला दहन करूंगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रखा। डीजल पेट्रोल पर वेट अन्य राज्यों के समान नहीं करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर चूरू जिले के पेट्रोल पंप संचालक आज से दो दिन पेट्रोल पंपों की हड़ताल रखेंगे। चूरू पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के उम्मीद भाकर ने बताया कि यह निर्णय पंप चालकों की हुई बैठक में किया गया। राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन द्वारा 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दो दिन हड़ताल रखी जाएगी। सरकार ने वेट निर्णय नहीं किया तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन के प्रवीण ने बताया कि वेट अधिक होने से पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में 10 से 12 रुपए लीटर पेट्रोल तथा 5 से 7 रुपए लीटर डीजल महंगा होने से जनता को नुकसान हो रहा है। दिनांक 13 और 14 तारीख को जो है वो सुबह 6 से लेकर शाम तक 10 बजे तक जो है सेल और परचेज दोनों बंद रहेंगी। और सरकार ने अगर आरपीडीए की माननी मान ली तो 15 तारीख से पंप खुले रहेंगे, अन्यथा 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे जब तक सरकार आरपीडीए की मांगे नहीं मान लेती। मांगे वेट जो है वो बराबर हो, उस कारण से क्या है कि बोर्ड एरिया के पंप की स्थिति तो ये है कि वो सब कर्जावान हो गए, सेल है नहीं, हरियाणा से पेट्रोल डीजल आ रहा है वही बिक रहा है। और प्लस पिछले 6 साल से जो है कमीशन नहीं बढ़ाया गया डीलरों का। राज्य सरकार से ये कि वेट जो है वो बराबर किया जाए हरियाणा और पंजाब के बराबर। हरियाणा पंजाब में इतना डिफरेंस है कि बॉर्डर के पंप लगभग तो 50% ज्यादा तो बंद ही हैं और जो चल रहे हैं वो बस कर्जे बनो। 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप हड़ताल पे रहेंगे, प्रदेशव्यापी हड़ताल है ये, और 13 और 14 दोनों को, फिर 15 को अगर हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सभी पेट्रोल पंप डीलर्स जाएंगे। पंजाब और हरियाणा की तरह पे उसके बराबर वेट करने के लिए हमें 11 रुपए से 12 रुपए का पर लीटर नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने सरकार से पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कोरोना काल के समय में जो वेट बढ़ाया था वो वेट कम करने के लिए हमने बार बार मुख्यमंत्री महोदय से भी समय मांगा है, हमें समय तक नहीं दिया गया, इसलिए मजबूरन हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। राजकीय विद्यालयों के वाइस प्रिंसिपल्स के संगठन रेसा वीपी ने उपखंड कार्यालय रतनगढ़ में आज एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के तहसील संयोजक सुभाष मीणा ने बताया कि ज्ञापन में निजी अस्पतालों में जांच करवाने हेतु सरकारी डॉक्टर के अनुमोदन की बाध्यता हटाई जाने, निजी अस्पताल में भर्ती कर्मचारी को एक दिन में 1000 रुपए की ही दवाई दिए जाने की बाध्यता हटाई जाने, एक बार में केवल एक ही डॉक्टर को ओपीडी में परामर्श की बाध्यता हटाई जाने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर हेमंत कुमार, मुंशीलाल, हंसराज बाकोलिया आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशन में एवं रेडक्रॉस सोसाइटी चूरू सचिव रघुनंदन शर्मा की प्रेरणा से भामाशाह शुभकरण बैद ने आज आयुष्मान भव अभियान के तहत राजस्थान निक्षय संबल योजना के अंतर्गत निक्षय मित्र बनकर टीबी क्लिनिक रतनगढ़ में 200 टीबी रोगियों को आटा, मिक्स दाल, तेल,
नमक आदि के पौष्टिक आहार किट वितरित किए। वैद्य ने कहा कि पोषण सामग्री से टीबी से लड़ने में सहायता मिलती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का कार्य कर रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने जिले के भामाशाहों से राजस्थान निक्षय संबल योजना के तहत निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को पोषण, शिक्षा व रोजगार के रूप में सहायता करने की अपील की। आज हमारे यहाँ जिला टीबी अस्पताल रतनगढ़ में माननीय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में माननीय डॉक्टर के निर्देशानुसार और अपने जो मामाशाह हैं श्री सुकर्ण जी वैद्य, उनके द्वारा 200 लोगों को जो टीबी के लाभार्थी हैं उनको न्यूट्रिशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें दाल, आटा, तेल, नमक की ये तीन चीज़ें थी ताकि उनको फ्री दवा के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। और माननीय CMHO साहब ने सबको टीबी के बारे में बताया कि कैसे इसका बचाव करना है, कैसे दवा लेनी है। और मैं एक बार आज आए हुए समस्त भामाशाह परिवार, इसमें राजीव जी उपाध्याय हैं, कन्हैयालाल जी हैं, हमारे रघुवंश जी हैं, सुकरण जी, उनकी पूरी फैमिली और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री रघुजी शर्मा, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके सफल प्रयासों से आज चूरू जिले में रिकॉर्ड 200 लोगों को एक साथ किट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, जो एक बहुत ही नेक कार्य है, मानवीय सेवा है। तो सभी और भी भामाशाह अपील करूँगा कि इस तरह के जो भी भामाशाह इच्छुक हैं अपने टीबी के रोगियों को इस तरह के पोषण किट प्रोवाइड करें ताकि उनके स्वास्थ्य में दवा के साथ साथ अच्छे न्यूट्रिशन से जल्दी सुधार हो। धन्यवाद। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अपना चूरू शहर भी गुलाबी नगरी जैसे बड़े शहरों की तरह डिवाइडर युक्त नजर आएंगे, जिससे न केवल एक तरफ यातायात होने के साथ ही आवागमन में सुविधा होगी, वहीं दूसरी तरफ शहर के सौंदर्यकरण में भी चार चांद लगे दिखाई देंगे। यह बात नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज कलेक्टर सर्किट पर नारियल फोड़कर इस निर्माण कार्य का शुभारंभ तथा उपस्थित पार्षदों, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित नागरिक गणों को मिठाई खिलाने के बाद कही। उन्होंने बताया कि 39,25,000 रुपये की लागत से कलेक्ट्रेट के पास अंबेडकर सर्किल से लेकर धर्म स्तूप तक तथा पुलिस लाइन के सामने से नगर परिषद के मुख्य द्वार डालू सिंह शहीद स्मारक तक डिवाइडर बनाए जाने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसी प्रकार सैनिक विश्राम गृह से रोडवेज बस स्टैंड तक डिवाइडर बनाए जाना प्रस्तावित है। सभापति पायल सैनी ने बताया कि इसके साथ ही 1,16,81,000 की लागत से सभी डिवाइडरों पर सुनहरी रोशनी से जगमगाती हेरिटेज पोल लाइट भी लगाई जाएगी। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, वरिष्ठ पार्षद यूसुफ खां मोयल, पूर्व पार्षद अली मोहम्मद भाटी आदि मौजूद रहे। चूरू नगर परिषद क्षेत्र के अंदर चूरू शहर में जब नगर परिषद का बोर्ड बना था कांग्रेस का, भारी मतों से हम लोग विजय होकर आए थे। चूरू शहर वासियों की सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो ये थी कि चूरू शहर का सौंदर्यकरण करवाया जाए, और ये हमारा सभापति बनने के बाद में मेरा सबसे पहला वादा था कि चूरू शहर का सौंदर्यकरण करवाएंगे। पिछले 35 साल से चूरू शहर की जो खस्ता हालत ही है उसको सुधारने की श्रृंखला के अंदर नगर परिषद द्वारा बहुत से कार्य करवाए गए हैं, और अब सौंदर्यकरण के अंदर आज चूरू के अंदर कलेक्ट्रेट से लेकर लाल घंटा घर तक डिवाइडर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है नारियल फोड़ कर। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब कुछ ही दिनों के अंदर आपको जब आप चूरू शहर के अंदर आएंगे तब एक शानदार डिवाइडर बना हुआ मिलेगा, उसमें बड़े बड़े गमले लगाए जाएंगे और साथ ही के अंदर हेरिटेज जो पोल है वो लगाए जाएंगे, और इस पूरे के अंदर करीब 1.5 से 2 करोड़ की लागत जो है वो लग रही है। तो सभी शहरवासियों को हमारी तरफ से, चूरू नगर परिषद बोर्ड की तरफ से ये एक भेंट है और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रतनगढ़ के अग्रसेन भवन में आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, प्रदेश प्रभारी नंदकिशोर कंदोई व जिलाध्यक्ष विकास अजीत सरिया ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला उपाध्यक्ष पद पर दीपक मुरारका, जिला मीडिया प्रभारी शुभम सांगा ने रिया, नगर अध्यक्ष मधुसूदन स्वामी आदि को मनोनीत किया, साथ ही इन्हें संगठन को मजबूत कर समाज हित में कार्य करने की शपथ दिलवाई। संभागीय आयुक्त मोहनलाल यादव एवं रतनगढ़ SDM अभिलाषा ने मंगलवार शाम को राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड के तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे गाइड ग्रुप शिविर का अवलोकन किया। संभागीय आयुक्त मोहनलाल यादव ने बताया कि स्काउट गाइडिंग चरित्र निर्माण की टकसाल है, जहाँ बच्चों को गढ़ कर देश के उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण किया जाता है।
व्यक्तित्व निर्माण के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में स्काउट गाइड महत्वपूर्ण योग देती है। इस दौरान रतनगढ़ उपखंड अधिकारी अभिलाषा ने कहा कि स्काउट गाइड बहुत ही अनुशासित होते हैं। स्काउट सीओ महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि 17 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले गाइड ग्रुप शिविर में चूरू जिले के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 150 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। चूरू के निकटवर्ती गांव गासर में नगर परिषद की ओर से कचरा डालने व अस्पतालों से मेडिकल बायोबेस्ट को गांव की रूही में डालने पर आज ग्रामीणों ने कचरा डालने वालों को पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अनिता खीचड़, तहसीलदार राजेश मीणा व DSP जयप्रकाश अटल आदि ने शहर का कचरा एक जगह डालने की बात कही, जिस पर आज पूरे दिन गाँव वालों ने कचरा नहीं डालने दिया। बाद में नगर परिषद के कर्मचारियों ने वन विभाग की जगह पर कचरा डाला। शाम को कायमखानी छात्रावास के पास गांव की रूही में खड्डा खोदकर कचरे का निस्तारण करने के लिए JCP से गड्ढा खोदने लगे तो गांव वाले JCP के आगे खड़े हो गए। उसके बाद पुलिस अधिकारी व नगर परिषद प्रशासन के बीच हुई वार्ता में गांव वालों की मांग पूरी करने पर सहमति बनी। बाद आज फिर से गांव गासर में चूरू नगर परिषद का कचरा आया है और हमने यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली को डटा। यहाँ पे मदरसा है, यहाँ पे मंदिर है, हॉस्टल है, छात्रावास और बच्चों के पढ़ने के लिए गीता मित्र सेंटर है, चूरू पुस्तकालय है और इतनी आबादी होने के बाद भी यहाँ पे नगर परिषद लगातार कचरा डाल रही है। यहाँ पे मरे हुए जानवर आते हैं और आज एक हॉस्पिटल की तरफ से एक एम्बुलेंस आई थी जिसमें एक नवजात शिशु को लाया गया था और यहाँ पे भीड़ में डाल रहे थे और गाँव वालों ने उसको रोक के और उसको रोका था यहाँ डालने से, फिर उसको वापस भेज दिया था। और एम्बुलेंस वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल से आए हैं हम, कौन से हॉस्पिटल से? भारतीय हॉस्पिटल से, और बोले कि हम यहाँ पे शिशु को डालने आए हैं और फिर हमने उसको रोक के सदर पुलिस को बुला के और उसको वापस भेजा था और सदर पुलिस की देखरेख में उसको गांव के जो शमशान था वहाँ पे उसका दफन करवाया गया था। और ऐसे ही काफ़ी बार यहाँ पे नवजात शिशु मिले हैं और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है और गांव वाले धरने पर बैठे हैं आज और आगे भी बैठे रहेंगे। जब तक यहाँ कोई समाधान नहीं होगा गांव वाले यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार आज जिला कलेक्टर सभागार में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने कहा कि अधिकारी उद्योग क्षेत्रों की समस्याओं के निस्तारण में टाइमलाइन का ध्यान रखे, राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में समुचित और समयबद्ध कार्रवाई हो ऐसा प्रयास किया जाए। बैठक के दौरान उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली व जल कनेक्शन, राजस्व रिको, औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव एवं विकास कार्यों तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बालिकाओं में आत्मरक्षा आत्मविश्वास की भावनाओं को जागृत कर उनको सफल एवं सजग बालिका के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से चूरू में ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ आज ज्ञान ज्योति ITI महाविद्यालय में किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि IAS सक्षम गोयल ने बताया कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube व कंप्यूटर सखी कार्यक्रम को भी इस प्रशिक्षण में सहायक के रूप में अपनाएं ताकि बालिकाएं वर्तमान डिजिटल युग में अपनी दक्षता और मानसिकता को मजबूत बना सके। प्रशिक्षण आयोजन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमदत सारण ने बताया कि ये ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 7 दिवसीय होगा जिसमें चूरू ब्लॉक की 154 विद्यालयों की महिला शारीरिक शिक्षिका या महिला शिक्षिका द्वारा यह प्रशिक्षण लिया जाना है। रतनगढ़ स्थित जिला TB अस्पताल में भामाशाह शुभकरण बैद ने आज इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड भेंट किया। जिला TB रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि पूरे प्रदेश में यह पहला जिला TB अस्पताल है जहां इस प्रकार का अत्याधुनिक इंटरैक्टिव बोर्ड प्रशिक्षण हेतु भेंट किया गया है। इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से जिला स्तर के प्रशिक्षण, चिकित्सा विभाग के MO, ANM, आशा सहयोगिनी, TB चैंपियन आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के चूरू संयोजक रियाजत खान की प्रेरणा से जिला मुख्यालय पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 12 बीघा भूमि दान स्वरूप भेंट करने वाले चूरू के वार्ड नंबर 44 निवासी भामाशाह हनीफ खान को जयपुर के बिरला सभागार में सोमवार को आयोजित 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान 2023 समारोह में सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने हनीफ खान को शिक्षा विभूषण सम्मान प्रदान किया। इस दौरान भामाशाहों को
धन्यवाद देते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि उनका योगदान शिक्षा विभाग की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग भामाशाहों से प्राप्त दान का उपयोग स्कूलों के गुणात्मक सुधार और विस्तार के लिए कर रहा है। साथ ही कई योजनाओं जैसे निःशुल्क शिक्षा, मिड डे मील, बाल गोपाल योजना, स्कूल ड्रेस योजना का संचालन भी सुचारू रूप से किया जा रहा है।